आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक इजी और टेस्टी केक की रेसिपी, जिसे बनाना काफ़ी ज़्यादा आसान है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चॉकलेट बनाना केक की रेसिपी। सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल पूजास फूड लैब। बनाना केक की रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा केला, और केला हमें कच्चे नहीं चाहिए। आप ध्यान रखें, केला जो होना चाहिए काफ़ी ज़्यादा ओवर राइप होना चाहिए। जैसे हम कभी कभी केले घर में लाते हैं और काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा पक जाते हैं और हमें उसे फेंकना पड़ता है। तो आज के बाद आप ये केले की रेसिपी जब देख लें तो आप कभी भी केले को फेंकें नहीं, और ये टेस्टी सा केक की रेसिपी ट्राई करें और इंजॉय करें। तो यहाँ पर मैंने एक केला ले लिया, उसे छील करके अच्छे से मैंने मैश कर लिया है। फॉक की हेल्प से आप इजली इसे मैश कर सकते हैं, या फिर आप इसे किसी भी ग्राइंडर में भी इसे पेस्ट बना सकते हैं। अच्छे से मैश हो जाने के बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया शुगर हाफ कप। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मीठा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो बस इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर आप चाहें तो गुड़ का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप देसी खांड या मिश्री का पाउडर, या फिर आप वाइट शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा आपको पसंद हो उस तरीके से ऐड कर लें। तो अच्छे से मिक्स हो गया है। नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पर ले लिया है दूध, और दूध में मैं ऐड कर दूँगी वाइट विनेगर। और आज की मैं ये केक की रेसिपी में मैंने बिल्कुल भी अंडे का इस्तेमाल नहीं किया और ना ही दही का इस्तेमाल किया है। ये सिंपल सी ट्रिक और इजी ट्रिक है। जब आपके घर में अंडे ना हो और ना ही आपके पास दही हो, तो आप इस तरीके से केक अच्छे से बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है हाफ कप मिल्क, और उसमें ऐड कर दिया है 1 टेबल स्पून विनेगर। बस उसे अच्छे से मिक्स करके साइड रख देंगे। अब चलेंगे सूखे इंग्रेडिएंट की तरफ। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है मैदा 1 कप, उसमें ऐड कर दिया है बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, और 1/2 टीस्पून मैंने ऐड कर दिया है बेकिंग सोडा। ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हम छान लेंगे, और साथ ही मैंने ऐड कर दिया पिंच ऑफ नमक। अब साथ ही इसे चॉकलेट फ्लेवर बनाना है, तो मैंने ऐड कर दिया है 2 टेबल स्पून कोको पाउडर। सारे सूखे इंग्रेडिएंट को हम छान लेंगे, और ध्यान रखें जब भी आप केक बनाते हैं तो हमेशा छान करके ही बनाएं, ताकि जो आपका केक का बैटर होगा काफ़ी फ्लफी बनेगा और काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा। बस सूखे इंग्रेडिएंट्स में ऐड कर देते हैं ये दूध और विनेगर का मिक्सचर, और थोड़ा सा ऐड कर दिया है मैंने तेल। इसमें ऐड किया है 1/3 कप, और इसे अच्छे से कट एंड फोल्ड के मेथड से इसे मिक्स कर लेंगे। जब भी आप केक बनाएं तो ज़्यादा फेंटे नहीं, ये सबसे बड़ा टिप होता है, क्योंकि लोगों का केक फूलता नहीं है और स्पॉन्जी नहीं बनता है, तो उसका ये सबसे बड़ा कारण है। लोग उसे फेंट देते हैं, इसी वजह से बनता नहीं है। बस आप अगर कट एंड फोल्ड के मेथड से आप इसे मिक्स करेंगे तो आप देखेंगे जो आपका केक होगा काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और फ्लफी बनेगा। तो बस इसे सुपर टेस्टी बनाने के लिए इसमें मैंने ऐड कर दिया है चॉकलेट चिप्स। ये ईजिली मार्केट में अवेलेबल होते हैं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग वाइट या फिर आप इसे चॉकलेट फ्लेवर डार्क चॉकलेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं देखने में जितना ये बढ़िया लग रहा है, खाने में भी काफ़ी बढ़िया लगता है। और इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके से होनी चाहिए, फ्लोई कंसिस्टेंसी में आपको बैटर को प्रिपेयर करना है। मुझे थोड़े से चॉकलेट चिप्स और ऐड करने हैं, तो मैंने ऐड कर दिया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। बस यहाँ पे मैंने ले लिया है केक का मोल्ड, और उसमें मैंने पार्चमेंट पेपर यानी बटर पेपर ऐड कर दिया है, लगा दिया है, और उस पर थोड़ा सा मैंने तेल इस पर ग्रीस कर दिया है ब्रश की हेल्प से, ताकि जब हम केक को अच्छे से बेक कर ले तो ईजिली डीमोल्ड हो जाए। तो आप हल्का सा तेल या बटर लगा के भी इसे ग्रीस कर सकते हैं ब्रश की हेल्प से, और ईजिली आप जब भी केक बनाएंगे तो आपका डीमोल्ड अच्छे से हो जाएगा। तो मैंने अच्छे से इसे ग्रीस कर लिया है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे केक का बैटर, और देख सकते हैं आप इसकी कंसिस्टेंसी। तो कुछ इस तरीके से आपको केक की कंसिस्टेंसी रखनी है, ताकि जो आपका केक है काफ़ी अच्छा बन करके रेडी हो जाए। तो ये टेस्टी सा केक बनाना काफ़ी इजी है, इसके सारे इंग्रेडिएंट्स इजीली घर में मिल जाता है, और जो केक का फ्लेवर है, बनाना फ्लेवर आएगा केक में, काफ़ी बढ़िया लगता है। तो बस इसे अच्छे से टैप कर लेंगे, ताकि कोई भी बबल्स या एयर हो केक के बैटर में तो ईजिली रिमूव हो जाए। बस ऊपर से थोड़े से चॉकलेट चिप्स और लगा दें, इसे देखने में बढ़िया लगता है और खाने में भी बढ़िया लगेगा। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये केक का मोल्ड अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है, तो चलिए अब इसे बेक कर लेते हैं। केक को बेक करने के लिए यहाँ पे मैंने एयर फ्रायर का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो इसे बेक कर सकते हैं माइक्रोवेव में, या फिर आप इसे कढ़ाई में भी बेक कर सकते हैं। जैसा आपको पसंद हो, जैसे आपको बेक करना हो उस तरीके से आप इसे बेक कर लें। अगर आप कढ़ाई में बेक कर रहे हैं तो आप कढ़ाई में थोड़ा सा नीचे बॉटम में थोड़ा सा नमक ऐड कर दें, उसे अच्छे से गर्म कर लें और फिर इसे बेक कर लें। अगर आप एयर फ्रायर में या बेकिंग कर रहे हैं या फिर ओवन में बेक कर रहे हैं, तो आप इसे 160 डिग्री पर 25 से 30 मिनट के लिए बेक कर लें।
बेक अच्छे से हो गया है। इसे मैंने थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख दिया था और आप देख सकते हैं ये ईजिली डीमोल्ड हो गया है और आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया इसका लुक आ रहा है और ईजिली ये डीमोल्ड हो गया है और ये पार्चमेंट पेपर से भी ईजिली रिमूव हो जा रहा है। तो ये परफेक्ट हमारा केक बन करके रेडी है। काफ़ी अच्छी जालियाँ आई हैं केक में और मैं आपको पास से भी दिखाती हूँ, कुछ इस तरीके से ये दिख रहा है। तो बस अब इसे कट कर लेते हैं पीसेस में। आप इसे गर्मा गर्म भी इसे सर्व कर सकते हैं या फिर इसे आप ठंडा भी इसे सर्व कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं चाय या कॉफ़ी के साथ, या बच्चों के टिफ़िन में भी इसे सर्व कर सकते हैं। अगर शाम को मन करे कुछ मीठा या कुछ ऐसा केक फ्लेवर खाने का तो आप ये झटपट से केक बना करके एंजॉय कर सकते हैं। तो ये थी आज की रेसिपी, जो काफ़ी इजी और झटपट से बनने वाली रेसिपी है और साथ ही इसमें जो बनाना का फ्लेवर है काफ़ी इसे हेल्दी बनाता है और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनाता है। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी, बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपके साथ शेयर करी है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मुझे तो ये केक की रेसिपी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय और अपना ध्यान रखें।